हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है छोले भटूरे। पर छोले भटूरे के साथ में एक बहुत ही स्पेशल चटनी भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसके कारण इन भटूरों का टेस्ट ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले भिगा दिए थे, ओवरनाइट मैंने 1 कप छोले भिगा दिए थे। आप जितने बनाना चाहते हैं उतने भिगो के रख सकते हैं। अब जिस पानी में मैंने भिगोए थे उस पानी को मैं अलग करने वाली हूँ, क्योंकि इससे ना गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इस पानी को हम नहीं डालेंगे। छोले निकाल के कुकर में डाल दिए हैं और ऊपर से मैं यहाँ पर लगभग 2 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, साथ ही साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में कुछ खड़े मसाले डाल दूंगी, जैसे कि 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। साथ ही साथ में 1 तेज पत्ता भी इसमें इसी स्टेज में मैं डालने वाली हूँ और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर ना चाय पत्ती नहीं डाल रही हूँ और कोई भी सामान कोडली में बना के नहीं डाल रही हूँ। जो खड़े मसाले हमने डाले हैं वो उबलने के बाद हम एज इट इज निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा फ्लेवर इस छोले में पहुंच जाएगा। अब चूंकि भिगे हुए छोले थे तो यहाँ पर 1 सीटी तेज पे और 3 सीटी मैं धीमे पे ले लूंगी, धीमी आंच पे। और यहाँ पर ये देखिए, थोड़ी सी इमली मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी है। वो क्यों भिगोई आगे मैं बताऊंगी। अब एक आटा लगाते हैं भटूरे के लिए। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने सूजी ली है बारीक वाली और 1/2 कप दही लिया है, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी चीनी डाली है। इन सबको फेंट के हम अच्छे से रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। अगर आपके पास में मोटी वाली सूजी है तो उस सूजी को अच्छे से पीस लीजिएगा। तो इसको रेस्ट के लिए मैं 5 मिनट छोड़ देने वाली हूँ ताकि सूजी फूल जाएगी। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा से इस मिक्सर को मिक्स किया है, सूजी अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो यहाँ पर जो भटूरे बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से फूलेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि ये पिचकेंगे, बहुत ही बढ़िया बलून की तरह फूलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है, जिससे कि बहुत अच्छे फूलेंगे। तो यहाँ पर रेशियो ये रहता है कि जितनी सूजी है, जैसे 1/4 कप सूजी है तो 4 गुना उसका हमको मैदा लेना है। मैदा यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है, इसलिए सूजी इसलिए डालते हैं ना ताकि ये जो भटूरे का जो फूलते हैं ना, वो फूलापन ये होल्ड करके रखती है सूजी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा स्टिफ से हो जाती है इसकी सरफेस, जिससे कि वो फूले के फूले रहते हैं, काफी देर तक फूले रहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ मैंने दही जो डाला था ना, उसी में ये डो मैंने लगा लिया है। ऊपर से मेरे को पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी है और आप देख पा रहे हैं कितना इस तरीके से फटाफटा सा आटा बना है। मीडियम सॉफ्ट आटा मैंने लगाया है, बहुत ना सख्त लगाना है, बहुत सॉफ्ट लगाना है। और इसको कम से कम ना 6 से 7 मिनट तक इस तरीके से पटक पटक के नीड करना है या गूथना है, जिससे कि ये भटूरे जो बनेंगे ना बहुत शानदार बनेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से फूलेंगे। तो मैंने इसको लगभग 6 से 7 मिनट बढ़िया तरीके से गूथ लिया है और अब इसको मैं ढक के रखने वाली हूँ लगभग आधे घंटे के लिए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आटा सेट हो जाए। तब तक यहाँ पर छोले भी बहुत अच्छे तरीके से उबल चुके थे, ठंडा हो चुका है कुकर। मैंने कुकर को खोला और चेक कर लेंगे कि छोले अच्छे से बॉईल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेस करके देख रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से छोले बॉईल हो चुके हैं, बढ़िया से प्रेस हो रहे हैं, इजीली प्रेस हो रहे हैं। और अब यहाँ पर जो खड़े मसाले डाले हैं ना, वो मैं आराम से निकाल लूंगी, क्योंकि बड़े बड़े मसाले हैं, इनको निकाल लेंगे, क्योंकि सारे फ्लेवर तो इसमें छोले में आ चुका है। मैंने चाय पत्ती नहीं डाली थी, उसके बावजूद भी देखिएगा छोले बहुत शानदार बनेंगे और कलर भी बहुत परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है छोले बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले डालेंगे रिफाइंड ऑयल, तो लगभग 3 टेबलस्पून मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और तेल को हम अच्छे तरीके से पहले गर्म होने देंगे। तो ये छोले भटूरे ऐसी रेसिपी है ना, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आती है और घर पे कभी भी बन जाए सभी लोग खुश हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद मैंने 1/2 चम्मच मस्टर्ड सीड्स डाले हैं और 1/2 चम्मच जीरा डाला है। इन दोनों को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। और यहाँ पर मैंने लगभग 7 से 8 कली लहसुन, 1/2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके रखा था, इसे डाल देंगे। इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे हल्का सा कलर चेंज होने तक, कच्चापन जाने तक इसको भूनना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। और साथ ही साथ में 2 प्याज मैंने बारीक चॉप करके रखे थे, उन्हें भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से कलर चेंज होने तक हमको भूनना है। तो इसको मैं भूनती चली जा रही हूँ, साथ ही साथ में थोड़ा सा दूसरा काम भी करेंगे और वो है चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पुदीना इमली की चटनी बना रही हूँ। गाइस, बहुत टेस्टी बनती है भटूरे के साथ में, या कुलचे हो या नान हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा पुदीना लिया है, लगभग पूरा 1 बंच पुदीना का लिया है।
साथ में एक प्याज बारीक चॉप करके रखा है, दो हरी मिर्च ली है। तो इमली यहाँ पर भीगे हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे, मैंने मॉर्निंग में भिगो दी थी और ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हाथों से अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसका पल्प बाहर निकल के आ जाए। और अब इसको मैं छान लेने वाली हूँ। छान के अच्छे तरीके से इसका पूरा का पूरा पानी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो साथ ही साथ में वहां प्याज भुनता चला जा रहा है, उसको भी मैं बीच बीच में चलाती चली जा रही हूँ। तो इमली मैंने अच्छे से छान ली है। अब एक जार लेंगे, इसमें सारा का सारा पुदीना हम डाल देंगे। पुदीना बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत हेल्दी भी होता है, तो पुदीना को यूज करना ही चाहिए डेली के डाइट में हमें। साथ में हरी मिर्च मैंने डाल दी। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करिएगा। साथ में जितनी इमली ली थी, तो मैंने एक कटोरी इमली ली थी, तो एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसमें थोड़ा सा इमली का पानी ही डाल के मैं इसको पीसने वाली हूँ। आप चाहे तो सादा पानी भी डाल सकते हैं, पर मैंने इमली का पानी ही डाल दिया है और इसको दरदरा सा पीस लिया। बहुत महीन ना पीसिएगा। तो ये पूरी की पूरी पुदीने की चटनी मैंने इस इमली के पानी में मिला दी है। बहुत टेस्टी ये चटनी बनने के तैयार होने वाली है। अब इसमें मैं ये कटा हुआ प्याज मिला दूंगी, इसके कारण इसका क्रंच बहुत टेस्टी लगता है इस चटनी में। अब यहाँ पे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। तो जो जो चीजें मैंने बताई है ना, उनको बिल्कुल वैसे के वैसे ही डालिएगा, तब इसका टेस्ट बहुत ज्यादा टेस्टी, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया हरी चटनी बनी है। इससे आप कुलचा, नान, भटूरा जो भी खाना चाहते हैं ना, उसके साथ में बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पर प्याज भुन चुका है, इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला। आज को मैंने अभी बिल्कुल धीमे पे ही रखा है, मसाले जलने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इमीडिएट मैं टमाटर की प्यूरी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर पीस के रखे थे, उन्हें डाल दिया। नमक स्वादानुसार सिर्फ मसाले के हिसाब से डाला है, क्योंकि हमने छोले में पहले ही नमक मिला दिया था। तो ध्यान दीजिएगा कि नमक बार बार डबल ना हो जाए कहीं। और इसको ढक के हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो लगभग 5 मिनट मैंने इस मसाले को अच्छे से पकने दिया है और इसके बाद ढक्कन को खोला। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। इसमें है कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी मैंने इसमें क्रश करके डाली है, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको भून लिया कसूरी मेथी को और इसमें हम डालेंगे थोड़े से उबले हुए छोले, जिसके कारण ना इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, वो बढ़िया थिक से बनेगी। तो ये जो उबले हुए छोले हैं ना, इनको हम इसे स्पैचुला से कलछल से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, जिससे कि ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो मैं इसको मैश करती चली जा रही हूँ। उबले हुए हैं तो बहुत आसानी से मैश भी हो जाते हैं, और छोले डालने के बाद भी मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये हमारे उबले हुए छोले। तो सारे के सारे छोले मैं इसमें डाल देने वाली हूँ, ये देखिए। और आप देखिएगा, मैं इसको मिक्स करूंगी तो बिना चाय पत्ती के भी ये छोलों का कलर बहुत ज्यादा शानदार आएगा। अच्छे से इसको मिक्स किया है, पर ये अभी काफी गाढ़े गाढ़े हैं, तो मैं इसमें पानी भी थोड़ा सा डालने वाली हूँ। तो आधा ग्लास मैंने पानी और डाल दिया है इसमें। तो थिकनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा, पर इसको हम थोड़ा बॉईल देंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 1.5 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर। तो ये वैसे तो मिल जाता है दुकान में, पाउडर भी मिल जाता है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि दुकान में से सूखा हुआ अनार के दाने लेके आइए, उसको पीस के डालिए ना, तब सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है छोलों में। तो अनारदाना पाउडर ना स्किप ना करिएगा, जब भी छोले बनाएं तो इनको रखिए घर में अनारदाना पाउडर को, और घर में फ्रेश पीस लीजिए, अनारदाने को लेके आइए सूखे वाले और फ्रेश पीस लीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है छोले में। साथ में मैंने यहाँ पर छोले मसाला भी डाल दिया था आधा चम्मच। अब ढक दिया है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं 5 से 7 मिनट तक पकने दूंगी। लगभग 7 मिनट हो चुके हैं, देखिए मैंने ढक्कन को खोला और कितना शानदार कलर आया है छोले का, आप देख पा रहे हैं। इसमें मैं डालने वाली हूँ खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती, जिसके कारण इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये हमारे शानदार छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये अभी थोड़े से ठंडे होंगे ना, तो और ज्यादा थिक हो जाएंगे, तो मैं इसलिए अभी कंसिस्टेंसी इतनी ही रख रही हूँ। देखिए आप कितना शानदार कलर आया है, गजब के टेस्टी बने हैं। तो ये बिल्कुल बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी छोले बनते हैं इस तरीके से, इसमें चाय पत्ती की जरूरत नहीं है, ना पोटली बनाने की जरूरत है। तो फटाफट से पहले मैं थाली सर्व कर देती हूँ। गर्मा गर्म भटूरे तो हम बना के लास्ट में इसमें सर्व कर देंगे। तो मैंने चटनी, छोले, प्याज और साथ में दही सर्व कर दिया है। और चलिए अब छोले बना लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी थी तेल गर्म होने के लिए, और हमारा आटा भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मीडियम साइज की लोइयां मैं कट कर ले रही हूँ, ना बहुत बड़ी ना बहुत
छोटी, क्योंकि क्या होता है ना कि रेस्टोरेंट वाले तो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, तो वो बड़ी बड़ी लोइयों के काफी बड़े बड़े छोले बना, माफ कीजिएगा, भटूरे बना लेते हैं, पर घर में चकले पे उतने बड़े भटूरे नहीं बन सकते हैं। तो मीडियम साइज की मैंने लोई कट करी है और पतले वाले बेलन से, तो मैदे की चीज ना पतले वाले बेलन से बहुत जल्दी बढ़ जाती है, तो सब तरफ से समान प्रेशर देते हुए मैंने इसको देखिए लंबाई में बेल लिया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अब इसको गरम तेल में नीचे तरफ करके डालेंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमको उसको बनाना है। इस तरीके से एक साइड से दबाते जाएंगे तो देखिए किस तरीके से गुब्बारे की तरह ये भटूरा फूल चुका है। तो ध्यान रखिएगा फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखना है जब हम इसको डालें, तो इसमें फटाफट से ये गैस के कारण ये फूल जाता है। तो ये एक भटूरा बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरा भटूरा भी बेल लिया था, तो ये बहुत आसानी से फूलते हैं अगर आपने सेम रेशियो को फॉलो किया ना। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे भटूरे घर पे बनकर तैयार हो जाते हैं। बस साइज पे थोड़ा सा फर्क आता है, घर के भटूरे थोड़े से छोटे होते हैं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा चकला नहीं होता है, जितना बड़ा हमारे पास में चकला है उस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरा भटूरा भी बहुत अच्छे तरीके से बलून की तरह फूल चुका है। ये देखिए कितना अच्छा, मैंने कलर थोड़ा सा डार्क रखा है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा डार्क कलर वाले भटूरे पसंद किए जाते हैं। ऊपर की पपड़ी ना थोड़ी सी ब्राउन वाली सबको पसंद आती है। अगर आप बिल्कुल व्हाइट चाहते हैं ना तो उसको उतना ज्यादा मत सेकिए, कम सेकिए, तो बिल्कुल व्हाइट भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो बस गर्मा गर्म ये देखिए फूले फूले से भटूरे भी मैंने सर्व कर दिए हैं, आप देख पा रहे हैं, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, और बहुत शानदार घर पे बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार। छोले भी बहुत शानदार बने हैं और चटनी के कारण तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको इस चटनी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, इसके कारण इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बने हैं, आप जरूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।